नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव और दो बज चुके हैं और वक्त हो चुका है हमारे खास शो तकरार का, जिसमें हम आपको पक्ष और विपक्ष के जो आरोप प्रत्यारोप है उनका सीधा जवाब पक्ष और विपक्ष से ही दिलाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के शो की। पहले आपको बता दें कि देश को 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू मिली, जिनका पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी भरपूर समर्थन दिया। ये पद है ही ऐसा कि हर नेता, विधायक, सांसद सोच समझकर देश के संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी सुरक्षित हाथों में सौंपता है। जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया था। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद उसने विपक्ष के तितर बितर होने की पोल खोल कर रख दी है। तो वही ओपी राजभर इस बीच खासा चर्चा में है और उनके चर्चा में होने की वजह है उनकी वाई कैटेगरी की सुरक्षा, जो उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ भाजपा से और गठबंधन और विपक्ष की ओर से मेहमान जुड़ेंगे और लगातार जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं, उनका जवाब देंगे। क्योंकि एक तरफ जहां निर्धारित वोट से कम वोट मिलने की वजह से गठबंधन में फूट की अटकलें लगाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विपक्ष गठबंधन में दरार डालने में कामयाब नजर आ रही है। तमाम लोग इसको 2024 से भी जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति चुनाव है वो पूरी तरह एक संवैधानिक कुर्सी है और हर कोई उस कुर्सी पर बहुत सोच समझ के बैठाता है राष्ट्रपति को। हर कोई बहुत सोच समझ के, जो भी नेता, सांसद और विधायक है, बहुत सोच समझ के वोटिंग करते हैं, क्योंकि संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के हाथों में होती है। वहीं आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, जिसको लेकर हर समुदाय में खासा खुशी का लहर है। एक तरफ जहां हर जगह जगह पर इनके जीत का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों, जो नेता है, जो प्रधानमंत्री है, तमाम लोग बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं उन्होंने जो द्रौपदी मुर्मू है उन्हें। वही अगर बात की जाए एनडीए उम्मीदवारों की, तो यूपी में 287 वोट मिले भाजपा गठबंधन के 273 विधायकों के अलावा। उन्हें बसपा, सुभाषपा और जनसत्ता दल का भी, जनसत्ता दल के पास से 2 और सुभाषपा के पास 6 विधायक है। वही सपा विधायक शिवपाल यादव ने भी समर्थन का ऐलान किया था, सुभाषपा का एक विधायक गैर हाजिर था। ऐसे में एनडीए के खाते में 282 वोट आने चाहिए थे, लेकिन उन्हें 5 वोट ज्यादा मिले हैं। यह तब है जब 3 वोट इनवैलिड हुए थे। कुल 8 विधायकों की क्रॉस वोटिंग सामने आई है और अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो 8 विधायक क्रॉस वोटिंग किए हैं ये कौन है, क्या सपा और रालोद में का भी कोई विधायक उस तरफ गया है। ऐसे में बहुत सारे सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, विपक्ष की जो चिंता बढ़ा रही है। विपक्ष उम्मीदवार के पास सपा के 111, रालोद के 8 और कांग्रेस के 2 विधायक समेत कुल 121 वोट थे। सपा के एक विधायक आए नहीं और शिवपाल एनडीए के पाले में खड़े थे। अगर 3 इनवैलिड वोट भी उनके खाते में जोड़ दे तो निर्धारित संख्या 5 वोटों से भी कम मिले हैं। ऐसे में तमाम तरह के सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, तमाम तरह की बातें किए जा रहे हैं और इन्हीं सब बातों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ दिवाकर मिश्रा जुड़ चुके हैं, वहीं समाजवादी पार्टी से नितेन सिंह यादव जुड़ चुके हैं। नितेन, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है, तमाम तरह की बातें भी कही जा रही हैं कि क्या राजभर और शिवपाल के साथ साथ कि रालोद से भी कोई किसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग करी है, क्या अब गठबंधन में दरार पड़ने लगा है, क्या कहेंगे आप इस पर? राष्ट्रपति का चुनाव और बहुत सारे लोग अपनी विचारधारा के हिसाब से इस चुनाव में उन्होंने अपनी भागीदारी की, लेकिन गठबंधन यहाँ पर हमारा चुनाव पूर्व का गठबंधन था बहुत सारे लोगों से, जो कि चुनाव के बाद सारे दल, चाहे वो उम्मीदवार राजभर हो या अन्य साथी हो, स्वतंत्र थे राष्ट्रपति चुनाव में अपना निर्णय लेने के लिए। उन्होंने अपनी विचारधारा के अनुसार जो भी निर्णय लिया, राजनीतिक परिस्थितियों को अनुकूल लिया, उनका राजभर को उसका इनाम भी मिला, आपने देखा कि उनको सुरक्षा वाई ट्रेनिंग भी प्राप्त हुई, उसका परितोषित भी मिला,
देखिए चुनाव में इसमें कोई पार्टी का वित्त जारी होता नहीं है, इसलिए लोग अपने अंतरात्मा से वोट देने के लिए स्वतंत्र होते, तो हो सकता है किसी ने अगर ऐसे वोट कास्ट वोटिंग की है तो उसको चेक किया जाएगा और तो उसके बाद। तो क्या आप मानते हैं कि राजभर को एनडीए का समर्थन करने के बदले में इनाम दिया गया है, जो उन्हें वाइस रेडी की सिक्योरिटी दी गई है? निश्चित रूप से तेजस्वी, मैंने तो अभी कहा कि ये उनको राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी को जो महामहिम राष्ट्रपति होने वाली है हमारी, उनको वोट करने का ये पारितोषिक है, ये इनाम है उनको, और सुरक्षा भी है ये उसका इनाम है। चलिए हम सीधा जानते हैं दिवाकर मिश्रा से। दिवाकर जी, सीधा सीधा समाजवादी पार्टी का कहना है कि ओपी राजभर को जो वाइस रेडी की सिक्योरिटी दी गई है, उन्हें इनाम दिया गया है एनडीए का समर्थन करने पर। वहीं दूसरी तरफ कुछ और खबरें भी सामने आ रही हैं निकल कर कि भारतीय जनता पार्टी दो खेमे में बट गई है, कुछ तो राजभर को लेना चाह रहे हैं, कुछ राजभर को नहीं लेना चाह रहे, और वजह ये बता रहे हैं कि जो उनके दल बदलने की आदत है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राजभर जी इशू नहीं है। मैं आपके इस प्राइम टाइम के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि हमारे आराध्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति का यदि विकास हो जाएगा तो भारत का विकास होगा। उसी लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी महिला बहन द्रौपदी मुर्मू जी को अपना प्रत्याशी बनाया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी संगठनों ने उन्हें समर्थन दिया। देश में बड़ी संख्या में जो लोग विपक्ष में थे वह भी विपक्षी एकता को धता बताते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ खड़े हो गए। उसी में एक राजभर जी हैं। तो हमारा तो उद्देश्य है कि हम देश के शोषित, पीड़ित, दलित, कमजोर, आदिवासी, अनुसूचित सभी के विकास के लिए काम करें। तो क्या ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? पहले मेरी बात हो जाए, फिर आपका प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। जी, अपनी बात रखें। मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय बहन द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति की उम्मीदवार घोषित की गई, तो पूरे देश में उन आदिवासी बहन भाइयों के मन में यह एक उल्लास का भाव आया कि हम भी देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई पद नहीं हो सकता है, और जब हमारी आदिवासी बहन देश की राष्ट्रपति बन गई है तो उन आदिवासी बहनों भाइयों के मन में भी ऐसा उल्लास है कि वह भी देश के सर्वोच्च पद पर बैठ सकते हैं। और ये काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी पूरी टीम ने देश के 16 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया। अब आप अपना प्रश्न रख सकती हैं। जो लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं और ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि उन्हें ओपी राजभर को इनाम दिया गया है वाइस सिक्योरिटी का, तो क्या ये इस बात की अटकलें लगाई जा सकती है कि फ्यूचर में ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राजभर विषय नहीं। आप राजभर को विषय नहीं मानते हैं? जी नहीं, नहीं, कोई विषय नहीं है ना। मायावती जी की तो पूरी पार्टी ने समर्थन किया। जी, मायावती जी तो हमेशा से समर्थन करती आई हैं। क्या कहेंगे आप उस पर? अगर आप अगर राष्ट्रीय परिदृश्य पे नहीं जाना चाहती है जी, तो उत्तर प्रदेश की ही मैं बात बताऊ कि राजभर जी ने समर्थन थोड़ी अकेले किया है, मायावती जी की तो एंटायर पार्टी ने जो है बहन द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया, और जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं उनके चाचा ने समर्थन दिया है। तो कोई राजभर ने समर्थन थोड़ी दिया है कि कोई विषय है राजभर का
अरे भाई पूरे देश में, लेकिन इनाम तो सिर्फ राजभर को मिला, इनाम तो सिर्फ राजभर को मिला, सपोर्ट सभी ने किया, लेकिन वाई श्रेणी की जो सिक्योरिटी मिली वो तो सिर्फ राजभर को मिला ना। अरे भाई वाई श्रेणी की सिक्योरिटी आप जरा गूगल में डाटा डाल दीजिए, उत्तर प्रदेश में वाई श्रेणी की सिक्योरिटी प्राप्त लगभग 250 लोग हैं। नहीं, मैं विपक्ष की बात कर रही हूँ, विपक्ष के जो बड़े चेहरे हैं, जो गठबंधन में मुखर होकर सामने आए थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अरे भाई सामने आए तो तमाम लोगों को देश में सिक्योरिटी मिली है, वो मुझे भी पता है, लेकिन जो लोग मुखर, देखिए दिवाकर मिश्रा जी, ये मेरा कोई सवाल नहीं है, ये जनता और जो विपक्ष है उसका सवाल है, और मैं चाहूंगी आप उसका मुखर होकर जवाब भी दें यहाँ पर। अरे भाई ये कोई विषय नहीं है, जिसको सरकार ये देखती है कि इसको सुरक्षा की आवश्यकता है तो उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसमें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल रही है। ओपी राजभर को सुरक्षा की जरूरत है क्योंकि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिया। चलिए नितेंद्र यादव जी क्या कहेंगे आप इस पर, क्या अखिलेश यादव पर जो टिप्पणी की गई थी एसी के कमरों वाली, वो टिप्पणी अब भारी पड़ेगी, गठबंधन टूटेगा? यादव पर टिप्पणी करने वाले बहुत आए बहुत गए, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार टिप्पणी करती चली आ रही है, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग भी अगर कुछ दूसरा टिप्पणी कर जाएंगे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। सबसे पहले तो मैं आज समाजवादी पार्टी की ओर से आदरणीय महामहिम जो निर्वाचित हो रही हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी जीत के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की दूसरी महिला और पहली आदिवासी महिला महामहिम बनने जा रही है, इसके लिए भी मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को क्यों बधाई, वो तो देश की राष्ट्रपति है ना नितेंद्र जी, वो तो देश की राष्ट्रपति है। बात को पूरा सुनिए कृष्णा जी, मैंने क्या कहा कि पहले तो मैंने महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई दी, दूसरी बात क्योंकि ये प्रवक्ता जी ने जो कहा कि दूसरी है, मैं इसको इनको बधाई दे रहा हूँ, वो बधाई के बाद अगला सेंटेंस भी पूरा सुन लीजिए। मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने अगर जिस तरीके की बात कही तो महामहिम का पद, तो देखिए महामहिम के पास कोई काम नहीं होता है, तो सिंबॉलिक पद है, लेकिन मैं मांग करता हूं आज इस आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी और बड़ा दिल करे और अगला देश का जो प्रधानमंत्री है वो कैसी अति दलित या अति पिछड़े समाज से प्रस्तावित करे, एक नए चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी एक अति दलित, चूंकि नरेंद्र मोदी जी जैसा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संविधान पर और बहुत ही अपने कर्तव्यों पर चलने वाली पार्टी है, ये कहा गया था 70 साल के ऊपर वाले लोगों को राजनीति में पद नहीं दिया जाएगा, जिसके वजह से आदरणीय लाल कृष्ण अडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी की टिकटें काटी गई थी। अब नरेंद्र मोदी जी भी चूंकि उस आयु सीमा को पार कर रहे हैं, तो क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी किसी अति दलित अति पिछड़े समाज से अपना प्रधानमंत्री घोषित करेगी, जिससे देश में अति दलित अति पिछड़े समाज को एक बड़ी ताकत मिले और उनका सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक उत्थान हो सके? अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रस्ताव करे, बड़ा दिल दिखाए, तो मैं एक बार और भारतीय जनता पार्टी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देने का काम करूंगा। चलिए इसका जवाब हम ले लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए दिवाकर जी, ये कहना है समाजवादी पार्टी के नेता का कि जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी बहन को इतने बड़े संवैधानिक कुर्सी पर बैठाया गया, वैसे ही क्या 2024 के चुनाव में किसी दलित को राष्ट्र प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाएगा, कैसा किसी चेहरे को सामने लाया जाएगा? उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये दिल से बधाई देंगे और ये खुश होंगे इस चीज के लिए, भले ही भाजपा की सरकार आती है, बड़ा दिल दिखा दिया समाजवादी पार्टी वालों ने। दिवाकर जी शायद दिवाकर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, देखिए दिवाकर अगर बात किया जाए नितेंद्र जी, तो सवाल तो समाजवादी पार्टी पे भी उठ रहे हैं, सबका ये कहना है कि ये जो विधायक गए हैं आखिर ये कौन है? शिवपाल यादव भी एक बड़ा मुद्दा है, शिवपाल यादव ने सपोर्ट नहीं किया, क्या वजह देखते हैं आप इसके पीछे?
लगातार मैं पूरी डिबेट चुनाव के दौरान चल रही है, कई महीनों से डिबेटें चल रही है शिवपाल जी को लेकर के। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट रूप है कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव की अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ले जाए और वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो समाजवादी पार्टी के सिंगल से गठबंधन प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े, लेकिन उनके फैसले उनकी पार्टी के फैसले होते हैं। समाजवादी पार्टी का कतई दखल नहीं, ना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कभी समाजवादी पार्टी में विलय हुआ था, ना शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी का कोई अंग है। वो एक अपनी पार्टी के स्वतंत्र नेता है, उनका निर्णय जो भी होगा वो उनका निर्णय होता है, इससे समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन चुनाव तो 2022 में आप लोग साथ लड़े थे ना। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के साथ टोपी राजभर भी लड़े थे, हमारी बहन अली पटेल भी लड़ी है, हमारे चौधरी जयंत सिंह जी भी। चलिए ओपी राजभर की ही अगर बात कर लिया जाए, नितिन जी ओपी राजभर बड़ा दम भरते हुए नजर आए थे कि हम सरकार बना रहे हैं, तमाम तरह की बातें, आखिर ऐसी क्या कलेश हो गई, आखिर उनको ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि वो चले गए दूसरी तरफ? सिलसिला जी समाजवादी पार्टी के अंदर आंतरिक अनुशासन भी बहुत जबरदस्त है और आदरणीय अखिलेश यादव जी अनुशासन प्रसन्न व्यक्ति है। कोई भी बात करनी है तो आपको पार्टी फोरम में बात करनी पड़ेगी, कोई भी व्यक्ति सड़क पर किसी भी तरीके की हमारे नेता के प्रति टिप्पणी करेगा तो ना तो समाजवादी पार्टी बर्दाश्त करेगी ना आदरणीय अखिलेश यादव जी बर्दाश्त करेंगे। और ओपी राजभर जी कोई अपनी वो जो उनकी निजी हैसियत है उसका शायद अंदाजा नहीं रहा होगा कि उन्हें किस तरीके से किससे बात करनी चाहिए। तो क्या आप ये बात मानते हैं कि अखिलेश यादव पर टिप्पणी करना ओम प्रकाश राजभर को भारी पड़ गया? नहीं, कोई भी होगा, ओम प्रकाश राजभर अकेले नहीं होंगे, अगर वो हमारे साथ कोई हमारा गठबंधन का साथी आएगा तो उसको अनुशासित तरीके से ही हमारे गठबंधन में छोटे पार्टनर छोटे भाई के रूप में रहना होगा। वो हमको अगर हेडमास्टर सिखाएगा, वो हमारा प्रधानाचार्य बनना इसकी कोशिश करेगा तो मास्टरी बर्दाश्त करिए समाजवादी पार्टी नहीं की जाती है। यहाँ आंतरिक अनुशासन है और यहाँ जो भी रहेगा उसको अनुशासन के दायरे में रहना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का अपना संविधान है, अपनी कार्यकारिणी है और अपने कार्यक्रम है, हम लोग अपने कार्यक्रम अपनी नीतियों अपनी रीतियों के अनुसार सोचते हैं, जिसको हमारी नीति हमारी रीति और हमारे कार्यक्रम पसंद आएगा वो हमारे नेता और हमारा नेता पसंद आएगा उसके साथ वो गठबंधन करेगा उसका स्वागत है। लेकिन गठबंधन में आने के बाद अगर कोई व्यक्ति अनुशासित चिंता की बात करेगा या हमारे सिद्धांत के प्रतिकूल बात करेगा तो निश्चित रूप से गठबंधन तो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के हिसाब से बनते हैं, क्योंकि वो हमारी पार्टी का कोई हिस्सा नहीं होते हैं, उनकी अपनी विचारधारा होती है, उनका भी अपना संविधान होता है, तो अपने संविधान से चलेंगे, समाजवादी पार्टी अपने संविधान से चलेगी। जब तक हमारे और उनके विचार मिलेंगे मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत, तब तक हमारे रास्ते एक साथ होते हैं, हमारे विचारों से जो तालमेल नहीं करेगा तो हमारे उसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। इसमें तो बहुत है, क्यों इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर रहे, बहुत सारे दल, इससे पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 36 दलों का संगठन था, लेकिन बाद में उसमें शरद यादव जी अगुवाई किया करते थे, बाद में विचार नहीं मिले तो उसके रास्ते अलग हो गए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात की जाए रालोद जी, जी नितिन जी, रालोद से भी आपका गठबंधन था, एक साथ अखिलेश और जयंत दिखे पूरे चुनाव में, 8 से 8 जो वोट थे राष्ट्रपति चुनाव में वो रालोद के पास भी थे, आप लोगों ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा, बड़ा दिल दिखाया, आपको क्या लगता है इन 8 वोटों में से भी कहीं कमी आई है, क्योंकि आपके पास टोटल 121 वोट थे, 111 तो मिलने ही चाहिए थे आपको, क्या लगता है आपको सिर्फ 111 वोट के लिए 120 की जगह 8 किसके वोट कटे, क्या लगता है आपको? देखिए सुशला जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी बहुत अनुशासित व्यक्ति है और एक बड़े परिवार के व्यक्ति हैं, उनके बाबा दादा जी जैसे प्रधानमंत्री रहे, उनके पिताजी भी केंद्रीय मंत्री रहे और उनकी भाषा आपने देखी है कितनी शालीन भाषा होती है, आदरणीय अखिलेश जी का किस तरीके से सम्मान करते और बराबर वो शालीन जैसे बड़े जिनका बड़े परिवार का व्यक्ति होता वो लगता है, बाकी लोगों की जो भाषा है वो उनका पुराना चरित्र बताती है, वो किस तरीके के जीवन से आए थे और किस तरीके की भाषा है, तो ये जांच का विषय, बिना जांच कर किसी पर कोई टिप्पणी समाजवादी पार्टी नहीं करती है। और दूसरा, जैसा मैंने दूसरों का कहा इस पर उपदेश कुशल बहुत रहे, तो हम लोग उसका असर खुद भी करते हैं कि हम बिना जाने किसी पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करते, वो जांच का विषय कोई बात होगी तो हमारे दोनों नेता आपस में विषय पर चर्चा कर लेंगे, इस पर हम
ओमप्रकाश राजभर की तरीके सड़क पर या किसी चैनल के माध्यम से किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करते। ये हमारी पार्टी का आंतरिक अनुशासन है, हम दूसरों पर भी लागू करते हैं और अपने ऊपर भी लागू करते हैं। चलिए, अगर जिस तरह से ओपी राजभर अब अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एक संकेत आ रहा है। अब ये तो अंदर की ही बात है कि दाल में कुछ काला है या फिर दाल पूरी ही काली है, लेकिन अगर ये गठबंधन टूटता है और कुछ और दरार सामने आती है, आपने जैसा कहा कि शिवपाल यादव जी की अपनी पार्टी है, वो खुद समाजवादी पार्टी के पास आए थे, उनका अपना पर्सनल निर्णय है, तो आपको क्या लगता है 24 की तैयारी कैसी रहेगी आपकी? समाजवादी पार्टी ने अपने पूरे संगठन को पूरी तरीके से पुनर्गठन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारी सदस्यता अभियान चल रहे हैं और 1 माह के अंदर अगले माह से हमारी सदस्यता अभियान जैसे कम्प्लीट होगी, प्रदेश के सम्मेलन होंगे और उसका पूरे संगठन को बूस्ट किया जाएगा और 2024 में हमारा संगठन बूथ स्तर तक जा करके और बहुत जबरदस्त तैयारी करने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की जो भी जनविरोधी नीतियां है वो लोगों के बीच लेकर के जाएंगे। जैसा लगातार आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोगों को महंगाई की आग में झोंक दिया है, पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी का दंश झेल रहा है और अभी तक आपने देखा 2-3 दिन पहले कि आज रोटी दाल आटा चावल दही दूध आज यहाँ तक जीएसटी लग गई है। गरीबों के बच्चे पेंसिल और साधना से पढ़ते हैं, आज उनके पेंसिल चीज में भी 18% जीएसटी लगा दी गई है। आप पार्टनर में जो कटर होता है जिससे पेंसिल चार्ज की जाती है उस पर भी उन्होंने जीएसटी लगाने का काम किया है, तो गरीबों पर जिस तरीके से मार पड़ रही है, गैस सिलेंडर में लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, रुपया जिस तरीके से गिरता चला जा रहा है, डॉलर की इतनी मजबूती होती जा रही है, तो इससे निश्चित रूप से देश के लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, आपने अपना पक्ष रखा। अगर बात महंगाई के मुद्दे की जाए तो लगातार कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है, समाजवादी पार्टी कहाँ है? समाजवादी पार्टी कहाँ, मेन विपक्षी दल है आप, आपकी एक अहम भूमिका निभाते हैं सरकार में, कहाँ है आप, कहाँ है आपका प्रदर्शन, कहाँ है आपका विरोध प्रदर्शन इसके खिलाफ? किस तरह से आप सरकार को ये ज्ञात करा रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, कहाँ है आप लोग? निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महंगाई बढ़ा रही, समाजवादी पार्टी अपने कर्तव्य बोध से पूरी तरीके वाकिफ है। समाजवादी पार्टी चाहे ज्ञापन देने का मामला हो, चाहे सदन के अंदर विरोध करने का मामला हो, या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अपने बयान के प्रतिनिधित्व के माध्यम से जो बयान, लगातार समाजवादी पार्टी अपना विरोध प्रदर्शन करा रही है और जनता के बीच में हम लोग जनजागरण कर रहे हैं। एक एक घटना को लेकर हमारा संगठन जनता के बीच में जाता है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से झूठे लुभावने प्रलोभन दे करके और बड़े बड़े अच्छे दिनों का सब दिमाग दिखा करके गरीबों और मजदूरों किसानों के साथ छलावा करती आई है। आज आप देख लीजिए कि लगातार उत्तर प्रदेश में बिजली के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, गरीबी नीचे की तरफ बढ़ती जा रही, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती जा रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, लेकिन किसी को कोई राहत देने का काम नहीं किया गया। किसानों के साथ जिस तरीके से उनकी डीएपी की बोरियों में चोरी होने का काम हो रहा है, उनको महंगा किया जा रहा है। जिस तरीके से किसानों को वादा किया गया था कि हम आएंगे तो हम किसानों को सिंचाई की बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे, गन्ना किसानों की जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बात की थी, आते ही हम इनको जो गन्ने का समर्थन मूल्य है उसको बढ़ा करके देंगे। 370 रुपए समर्थन मूल्य की बात 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में तय किया है। 5 वर्ष का कार्यकाल वो बीत गया, लास्ट चुनाव के राष्ट्रपति चुनाव के बाद और आजकल वही है। सबसे बड़ा एक सवाल और उठ करके जनता का सामने आ रहा है, लगातार सबका कहना है कि अगर ओपी राजभर दल बदलते हैं, वो भारतीय जनता में शामिल होते हैं, तो सुभाषपा और सपा गठबंधन की ओर से सुभाषपा के जो सिंबल के साथ अब्बास अंसारी चुनाव लड़े थे, क्या वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे या वो भी राजभर के साथ दूसरी पार्टी में शामिल होंगे अगर वो जाते हैं तो? देखिए, ये तो अभी काल्पनिक चीजें हैं, अभी बहुत समय है, ये
अभी ये बहुत दूर की बात है, अभी जल्दबाजी होगा इस पर कोई टिप्पणी करना। आपको लगता है अभी कुछ वक्त लेंगे राजभर दूसरी पार्टी में जाने में, आप मानते हैं? निश्चित रूप से, अभी बहुत इस पर ये अभी चर्चा का विषय नहीं है, अभी सिर्फ राष्ट्रपति जी का चुनाव था और महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने जो किया वो उनका अपना स्वतंत्र निर्णय था, उसका उनको इनाम मिला है। अभी ओम प्रकाश राजभर की तरफ से या उनके किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लगातार कह रहे हैं कि मैं अरविंद अखिलेश यादव जी के साथ रहूंगा, 2024 का भी चुनाव लड़ूंगा, 27 का भी चुनाव लड़ूंगा। आप ही ने कहा था उन्हें इनाम तो मिल गया वाइस श्रेणी की सुरक्षा का। हाँ, मैंने अभी भी मैं कह रहा हूँ अपनी बात को, ठीक है उनको अपना एक निर्णय लिया उसका उन्हें इनाम मिला है, अच्छी बात है। राजनीति में बहुत सारे फैसले, देखिए राजनीति में बहुत सारे लोग संत बनने नहीं आए, एक विचारधारा की राजनीति करने कुछ लोग आते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी विचारधारा की राजनीति कर रही है, लेकिन बहुत सारे जो छोटी छोटी दल है वो अपना उत्थान करने आते हैं। जैसे हमने संजय निषाद जी को उनकी पार्टी के उनके बेटे प्रवीण कुमार को हमने सांसद बनाया, चर्चा मिला है, ये समाजवादी पार्टी का लक्ष्य था कि हम दबे कुचले अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाए, और जैसे ही वो चर्चा में आए भारतीय जनता पार्टी ने उनको हैक किया और आज उनकी पार्टी गठबंधन करके चली गई, उनके पिताजी मंत्री हो गए, एक बेटा उनका विधायक हो गया, एक बेटा सांसद हो गया, हो गए पूरी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई यहीं से। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवार की बात करती है तो उनका सामाजिक परिवर्तन, ये हाल था ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया था, तो क्या सीटें मिल गई थी, खुद जीत करके आ गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्री बना दिया था, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी, बार्गेनिंग करने की क्षमता उनके पास ज्यादा है, करते रहे जब भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ये आरोप देखिए ये आरोप उनका चरित्र बता देता हूँ, वो बात करके वापस आए उनको लगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रहे, प्रदेश में माहौल था, उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव वो सत्ता ले लुकता, उनको खींच करके ले आई, वो आए, हमने सम्मान दिया, हमने उनको सीटें दी, आज उनके 8 विधायक हो गए, अब उनको फिर बड़ी बार्गेनिंग समझ में आ रही, तो हो सकता है अब ये तो समय बताएगा कि उनके चरित्र को लोगों ने पहचाना है तो आगे क्या चीजें रहेंगी, तो आएंगे ना इधर से रहे ना खुदाई मिला ना मिसाले समय भी हालत हो जाए पता नहीं क्या होगा। चलिए ये तो वक्त ही बताएगा क्या होता है और किसके कहाँ जाने से किसको कितना दर्द होता है, ये तो वक्त के हिसाब से ही पता चलेगा। फिलहाल जो तमाम, मैं आखिरी में आपसे जनता का एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जो तमाम तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि जो गठबंधन है वो टूटने वाला है, किसने वोट नहीं दिया किसने नहीं दिया, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या जो 8 विधायक रालोद के पास थे उनमें से, इन सब जो बातें हैं, जो तमाम तरह की चर्चा, इन चर्चाओं का क्या जवाब देंगे आप? देखिए निश्चित रूप से अभी जल्दबाजी होगा इस पर कुछ कहना, अभी मैंने कहा कि जब जब चुनाव आते हैं या जब जैसे कोई त्योहार आता है तो उस त्योहार की तैयारी लोग करते हैं, अच्छे कपड़े सिलाते हैं, अच्छा उस त्योहार के अनुकूल भोजन बनाया जाता है, तो उसकी खुशियां मनाई जाती है, त्योहार चला जाता है और लोग सामान्य जन जीवन में जीने लगते हैं। तो राष्ट्रपति जी का चुनाव भी एक त्योहार के रूप में था, कुछ राजनीतिक और शुरुआती राजनीतिक लोगों के लिए, अब वो त्योहार समाप्त हो गया, किसी को अच्छे कपड़े मिल गए, किसी को मिठाई मिल गई, किसी को फल मिल गए और खुशियां मना ली गई, अब सामान्य रूप से चलेगा, 2024 की तैयारी होगी और 2024 का जब समय नजदीक आएगा तो बहुत सारे उथल पुथल होंगे, उसकी चर्चा तब की जाएगी, अभी के लिए फिलहाल इतने रखिए। 2024 की तैयारी अभी समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, बिल्कुल समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, बिना किसी सहारे के तैयारी कर रही है, और समाजवादी पार्टी इस बार मजबूती से मोर्चा, अभी हमारे पास बहुत समय है, हमारे पास मजबूत संगठन है, हमारे पास जुझारू कार्यकर्ता है, हमारे साथ जोश के साथ होश रखने वाले कार्यकर्ता है, जमीन तक हमारा संगठन तैयार होगा और हम लोग मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर हम महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जो नव निर्वाचित राष्ट्रपति हुई है उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। जी चलिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता की तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी ये कहने से बचता हुआ नहीं भी नजर आ रहा है कि जो वाइस रेडी की सिक्योरिटी दी गई है राजभर को, वो उन्हें इनाम दिया गया है, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता कहते हुए नजर आए, वही विपक्ष का साफ तौर से कुछ भी कहने से इनकार करना साफ नजर आ रहा है। हालांकि अब विपक्ष भी कहीं ना कहीं दो भागों में हो गया है, कुछ लोग चाहते हैं कि राजभर उनकी ओर आए और कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि राजभर नहीं आए, क्योंकि राजभर को अब थोड़ा दल बदलू भी कहने जाने लगा है, तो वक्त के साथ साफ होगा कि ओम प्रकाश राजभर गठबंधन में रहते हैं या फिर किसी और पार्टी में जाते हैं। फिलहाल
आज के हमारे शो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।